हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अशफाक और आज आपके लिए फिर मैं आप उर्दू नंबर वीडियो नंबर 9 लाया हूं, जो कि इसके पहले मैं 8 वीडियो अपलोड कर दिया हूं जी आप लोग के लिए। उसमें मैं हिंदी से उर्दू और उर्दू से हिंदी तर्जुमा बताया हूं। अब फिलहाल इंग्लिश का भी नहीं बता रहा हूँ, चूँकि पहले हिंदी उर्दू को स्ट्रॉन्ग करना है, उसके बाद फिर मैं इंग्लिश का भी लाऊँगा। डोंट वरी, टेंशन मत लीजिए, बहुत लोग बोल रहे थे तो इंशाल्लाह मैं उसको भी लाऊँगा। और मार्केट में किताब भी आ गया है, आप लोग उसे खरीद लीजिए और जहाँ तक हो सके उससे भी पढ़िए और थोड़ा सा वीडियो भी देख लीजिए, ताकि आपका हेल्प इधर से भी हो जाए। और आपको मैं टेलीग्राम में जुड़ने के लिए बताया था, टेलीग्राम में आप जुड़ जाइए, उसमें सर्च कीजिएगा बिहार उर्दू अनुवादक। मैं लास्ट में लिख के बता देता हूँ, वो मैं लास्ट में आपको बताऊँगा, उसमें बेटर होगा। और इस वीडियो के लास्ट में मैं एक सवाल पूछूँगा, आपको कमेंट करके बताना है जी। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है जी। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, मोहन यादव की 5 साल बेटी को एक ट्रक ने कुचल दिया। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। मोहन यादव तो नाम है जी, मोहन यादव की 5 साल, ये मैं क्वेश्चन ही पूछा था, आप इससे आंसर भी निकाल सकते हैं। 5 वर्षीय पुत्र, 5 साल यानी कि 5 वर्षीय पुत्र, हिंदी में 5 वर्षीय लिखते हैं जी, 5 वर्षीय पुत्र, पुत्री है, साला है, बेटी है, तो यहाँ पर पुत्री लिखेंगे। ओके, तो 5 साल का हिंदी हो गया 5 वर्षीय। ओके, बेटी है तो पुत्री यहाँ पर लिखेंगे, या तो सपुत्री भी लिख सकते हैं। ओके, 5 साल बेटी को एक ट्रक ने कुचल दिया, एक ट्रक ने कुचल दिया, तो इस तरह से इजी से ट्रांसलेट हो जाएगा। आप इसमें जो इम्पोर्टेंट मीनिंग इसमें ये आ गया कि 5 साल जो है यहाँ पे, इसका हिंदी क्या होगा, 5 वर्षीय होगा, बाकी सारा मीनिंग आप जानते हैं जी। और थोड़ा सा तस्कीर तानिश भी ध्यान आपको रखना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। उर्दू हिंदी में देख लीजिए, यहाँ पर किला, 5 साल लड़की है इसलिए यहाँ पर की लग गया है, तो आप तो क्लियर से बात है, ये तो आराम से हर कोई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोलता है, जिससे उसकी मौत जाए वकू पर ही हो गई, जिससे उसकी मौत यानी कि जिससे उसकी मृत्यु जाए वकू, जाए वकू मतलब होता है घटनास्थल, जाए वकू जहाँ पे और बहुत सारे वर्ड लिख सकते हैं, जाए वारदात भी लिख सकते हैं जी आप, जाए वारदात या तो फिर जाए हादसा भी लिख सकते हैं। ओके, जाए हादसा भी आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, तो जाए वकू, जाए वारदात, जाए हादसा, सबका हिंदी होगा घटनास्थल। ओके, घटनास्थल पर ही हो गई यानी कि जिससे उसकी मौत जाए वकू पर ही हो गई, जिससे उसकी मृत्यु घटनास्थल पर ही हो गई। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जो मैंने मीनिंग बताया हूँ और जो मीनिंग लिख रहा है आपको, जो लिखा हुआ है, जो दिख रहा है, उसको प्लीज़ आप अपने कॉपी में नोट कीजिए, ताकि आपको याद करने में आसानी हो जी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे, आपको इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी से, बहुत जल्द शॉर्ट वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। पुलिस ने मौत की तस्दीक की, तो पुलिस ने, जान इसका हिंदी पुलिस होगा, मौत को तो अभी पढ़ ले, मृत्यु की तस्दीक की, तस्दीक के मतलब होता है पुष्टि की। ओके, तो यहाँ पर जाँच नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पुष्टि की, पुलिस ने मृत्यु की पुष्टि की, यहाँ पर हिंदी तस्दीक का हिंदी क्या हो जाएगा, पुष्टि हो जाएगा, तो आप इससे आराम से बना सकते हैं। तो ज़्यादा हार्ड है नहीं, आपको बस प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और की का में जो ये हर्षिकार और दीर्घकार जो फंडा आता जी, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे दीर्घकार वाला की होगा, कहाँ पे हर्षिकार वाला की होगा। तो मैंने आपको बताया था, जब दो सेंटेंस जोड़ता है वहाँ पर जब की आता है तो होता है हर्षिकार हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक ही सेंटेंस है, जैसे एग्जाम्पल हो जाएगा, उसने कहा कि, तो की आ जाएगा यहाँ पर, मैं गरीब हूँ तो मैं गरीब हूँ, लेकिन अगर बोला, लेकिन ऐसे रहेगा, पुलिस ने मृत्यु की पुष्टि की, तब यहाँ पे की हो जाएगा इस तरह से। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ता हूँ, लेकिन उसे संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन यानी कि किंतु परंतु जो भी डाल सकते हैं, उसे संजीदगी से नहीं लिया, संजीदगी मतलब गंभीरता से। ओके, लेकिन उसे संजीदगी से नहीं लिया यानी कि किंतु उसे गंभीरता से नहीं लिया, तो यहाँ पर एक वर्ड आ गया यहाँ पर, संजीदगी यानी कि गंभीरता से, देखिए संजीदगी से यानी कि गंभीरता से, तो ये एक मीनिंग है, आप इसको नोट कर लेंगे, लेकिन क्या है, जानते हैं किंतु होता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, और ये नेक्स्ट सेंटेंस है, अलग से सेंटेंस है, सभी सार्फिन का नाम और आधार नंबर का जियो टैगिंग लाजमी है। अब यहाँ पे सभी का, तो यहाँ पे उर्दू तमाम भी लिख सकते हैं, है ना, तमाम भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, तमाम सार्फिन तो बेटर होगा, तमाम भी रहेगा तो और ज़्यादा बेटर होगा, तो जितना अच्छा से अच्छा उर्दू यहाँ पर सेट कर सकते हैं जी, आपके थॉट पे डिपेंड है कि कितना अच्छा से अच्छा उर्दू सेट कर सकते हैं, कितना अच्छा से अच्छा हिंदी को वहाँ पे सेट कर सकते हैं, तो ज़्यादा बेटर होगा। सभी सार्फिन का नाम, सभी उपभोक्ताओं, सार्फ
सार्फिन जो है ये है, सार्फिन का मतलब होता है उपभोक्ताओं। सभी सार्फिन का नाम आधार नंबर का जियो टैगिंग लाजमी है, आधार नंबर का जियो टैगिंग लाजमी का एक उर्दू आ जाएगा यहाँ पे मीनिंग हो जाएगा, लाजमी मतलब अनिवार्य है। ओके, लाजमी का हिंदी हो जाएगा अनिवार्य है। तो यहाँ पे बस दो तीन वर्ड है यानी कि सार्फिन को जानना है जी। सारिफ, सारिफ का जमा है सार्फिन, सारिफ का मतलब हो जाएगा उपभोक्ता और सार्फिन हो जाएगा तो उपभोक्ताओं। तो सार्फिन का नाम यहाँ पे आ गया उपभोक्ता और लाजमी को यहाँ पे हिंदी लिखेंगे अनिवार्य है। तो आई थिंक ये ट्रांसलेशन भी आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखें, 1 दिसंबर को ज़िलाई सतह पर फुटबॉल टूर्नामेंट का इफ्तिताह होगा। तो 1 दिसंबर को ज़िलाई सतह पर, अब यहाँ आपको गौर करने की जरूरत है, ज़िलाई सतह पर का हिंदी में लिखा हूँ जिला स्तरीय, पर यहाँ पे लिखा हुआ है जी, तो यहाँ पे पर नहीं लिखा हुआ, चूँकि यहाँ पे सेंटेंस में सूट नहीं करेगा, सेंटेंस सेट नहीं हो पाएगा। 1 दिसंबर को जिला स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन होगा, तो सेंटेंस का सेट कर सेट हो रहा जिला, ऐसे अगर ऐसे करेंगे 1 दिसंबर को जिला स्तरीय पर तो गड़बड़ हो जाएगा। जिला स्तरीय फुटबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन यानी कि इफ्तिताह, इफ्तिताह के मतलब होता है जी उद्घाटन होगा। ओके, तो आपको ये अंडरस्टैंड हो गए होंगे कि ये कैसे आपको ट्रांसलेट करना है। तो इफ्तिताह का हिंदी क्या होता है, उद्घाटन होता है। सतही, जिला सतही का हिंदी होता है जी, जिला सतही पर, इसका हिंदी होगा जिला स्तरीय। और बाकी सारा कुछ तो आप जान रहे हैं। तो इसमें जितना सारा मीनिंग, 8-10 मीनिंग जो भी इसमें आया है, सबको अपने कॉपी पे नोट कीजिए। अगर आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो अपने कॉपी पे नोट कीजिए तो ज़्यादा बेटर होगा। अब मैं ले चलता हूँ आपको उस पेज में जो मैं पिछले वीडियो में सवाल पूछा था और बहुत लोगों ने उसका आंसर भी बताया था। तो ये रहा आपका सवाल पिछले वीडियो का, वीडियो नंबर 8 में मैं सवाल पूछा था कि दिनेश सिंह के 25 वर्षीय पुत्र की मृत्यु मंगलवार की रात हो गई, इसका मैं बोला था उर्दू ट्रांसलेट कीजिए कैसे करेंगे। तो बहुत लोगों ने सही ट्रांसलेट किया है, लगभग सही ने किया। और मैं आपसे भी बोलता हूँ कि आपको ये जब भी मैं ये जो दे रहा हूँ कमेंट करने के लिए यानी कि बनाने के लिए दे रहा हूँ, तो आप उसे बनाइए और कमेंट कीजिए, जब एक बार लिख देंगे तो बेटर होगा, आप उसे भूलेंगे नहीं। अब मैं भी इसका उर्दू कर देता हूँ, दिनेश सिंह के 25 वर्षीय पुत्र, अभी मैं पढ़ाया था तो यहाँ पे लिख सकते हैं 25 साला बेटे, बेटे की मृत्यु यानी कि बेटे की मौत मंगलवार नहीं, मंगल की रात हो गई। उर्दू में मंगल होता है, ओके, मंगलवार नहीं होता है, मंगल की रात हो गई। तो आपको इस तरह से ट्रांसलेट उर्दू में आराम से हो जाएगा, दिनेश सिंह के 25 साला बेटे की मौत मंगल की रात हो गई। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा और आपने जो जवाब दिया था उसका आंसर भी आपको मिल गया है। लेकिन मैं भी सबका कमेंट देखता हूँ जी, सबका कमेंट देखता हूँ, आप लोग सब कमेंट करेंगे और सब कमेंट को देखकर लाइक भी करता हूँ, और जो कुछ मिस्टेक रहता है उसको मैं कमेंट करके बताता भी हूँ। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट सवाल दे रहा हूँ जो आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में, ओके। तो ये रहा आपका क्वेश्चन है जो आपको कमेंट करना है। अब मैं उर्दू में दिया हूँ, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताना है। हिंदुस्तानियों की मुश्तरका जद्दोजहद के नतीजे में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। अगर आप मेरा पिछला वीडियो पढ़े होंगे तो आई थिंक इसका ट्रांसलेट आप आराम से कर सकते हैं। इसका हिंदी में आप लोग ट्रांसलेट करेंगे, हिंदुस्तानियों की मुश्तरका जद्दोजहद के नतीजे में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं, जो कमेंट करेंगे आई थिंक वो मेरा वीडियो पढ़ रहे होंगे। और बेटर तैयारी, जो कमेंट करते हैं वो सीरियस है, सीरियस आपको होना पड़ेगा क्योंकि बेटर आपका अपॉर्चुनिटी है जी। तो चलिए एक और मैं आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ कि आप अपने मोबाइल पर जो टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए, प्ले स्टोर में टेलीग्राम ऐप, टेलीग्राम सर्च करेंगे टेलीग्राम मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद आप उसमें सर्च वाला जो ऑप्शन रहेगा उसमें सर्च करेंगे बिहार उर्दू अनुवादक, ओके, बिहार उर्दू अनुवादक सर्च करेंगे तो वो ग्रुप आ जाएगा, मैं ग्रुप बना दिया हूँ, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए और आपका जो भी क्वेश्चन उसमें हो आप उसमें पूछ सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग रहेंगे, आप कोई ना कोई तो आंसर दे देंगे, और जहाँ तक मैं भी कोशिश करूँगा आपका आंसर देने के लिए, तो मेरा भी जो डाउट रहेगा उसमें पूछूंगा और आप भी अपना सोच निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब आदमी अलग अलग सोचता है, कोई ज़रूरी नहीं हम जो सोच रहे हैं आप हमसे कहीं ज़्यादा भी सोच सकते हैं, ऐसे बात नहीं है, क्योंकि हमसे बड़े बड़े आदमी हैं जो यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं और इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिए हैं, तो अच्छे अच्छे आदमी अप्लाई कर दिए हैं, तो उनका राय जानना, मशवरा जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा, इस पे आपको जुड़ जाना है, ओके, ताकि आपका जो है कोई भी डाउट हो, किसी टाइम लगे डाउट तो एक बार तुरंत टेलीग्राम खोलेंगे और अपना डाउट क्लियर करेंगे, वहाँ पे कोई ना कोई आपको आंसर देते रहेगा। तो ये वीडियो यहीं पे लास्ट करूँगा मैं, तो आप मुझे बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा जी, कैसा लगा आपको, मज़ा आया कि नहीं आया। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जी, और नए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हो सके तो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास जाएगा और आप इसे आसानी से
देख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को मैं यहीं पे लास्ट करता हूँ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। डैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, खुदा हाफिज़।